दोस्तों आप देख रहे हैं नॉलेज बाज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के फेज 5 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आरआरबी भोपाल का वेबसाइट खुला हुआ है और यहाँ पे फेज 5 का ऑफिशियल लिंक आरआरबी भोपाल ने 23/2/2021 को जारी कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले फेज 5 का हम नोटिस देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं ऑफिशियल लिंक को। तो यहाँ देखिएगा ये पेज उतने अच्छे से खुला नहीं, ठीक है, यहाँ पे ये पेज उतने सही से खुला नहीं, फिर भी यहाँ डेट लिखा हुआ है। मैं बता देता हूँ कि पेज 5 का जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पे 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 21 और 27, मतलब इतने डेट को होगा। याद रखिएगा 4, 5, 6, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 21 और 27 को एग्ज़ाम होगा और 19 लाख बच्चों का इस पेज में एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद हम बात करें एक और हम किसी और वेबसाइट को भी खोलते हैं यहाँ पे, तो कुल मिला के यहाँ पे आरआरबी फेज 4 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है फेज 5 का, ठीक है। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको सही दिख रहा है, ठीक है, फेज 5 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरआरबी इलाहाबाद के वेबसाइट पर। और यहाँ पे डेट आपको दिख रहा होगा, डेट मैंने बता दिया, 27 तारीख तक एग्ज़ाम है, 4 मार्च से लेकर 27 मार्च तक एग्ज़ाम है, 19 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा इस पेज में। और यहाँ कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा 23, यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो ऑफिशियल लिंक आपको मिलेगा, सिटी एग्ज़ाम डेट ये सब देखने का जो लिंक आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा वो 23/2/2021 को प्रोवाइड करवाया जाएगा शाम 5 बजे से प्रोवाइड किया जाने वाला था, बट अब आपको शाम के 7 बजे देखने को मिलेगा। हम ऑफिशियल लिंक के माध्यम से आपको सही टाइम बता देंगे अभी। और यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको एग्ज़ाम सिटी और डेट मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो 4 दिन पहले ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग आपको मैसेज दे दिया जाएगा और मेल भेज दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम डेट कब है, कब कब आपका एग्ज़ाम होगा। अब इन एडिशन अबव द एग्जाम सिटी शेड्यूल 15 मार्च, 19 मार्च और 20 मार्च फॉर कैंडिडेट हु शेड्यूल दीज 3 डेज नेसेसरी विल ईमेल। मतलब अगर ये एडिशनल डेट है, यहाँ पे एडिशनल डेट यहाँ दिया गया है कि 15, 19 और 20 मार्च को एग्ज़ाम दिया जा सकता है। मतलब 19 लाख तो बच्चे बोले जा रहे हैं, बट हो सकता है कि 22 लाख बच्चों का भी एग्ज़ाम हो जाए, 20 से 22 लाख बच्चों का भी एग्ज़ाम करवाया जा सकता है, क्योंकि 3 एडिशनल डेट को रखा गया यहाँ पे, 15, 19, 20 को, ठीक है। ऑल रिमेनिंग कैंडिडेट जो बाकी जो बच जाएंगे एग्ज़ाम, वो या तो एक ही फेज में करवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ फेज लिखा है और फेजेस लिखा है, या तो एक ही फेज में करवाया जाएगा या फिर आपको अलग से 2-3 पेज, अभी 2 फेज और हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है कि 1 फेज होना चाहिए, क्योंकि 27 तारीख से लेके जो रेलवे फ्री होगा वो लगभग 14-15 अप्रैल तक फ्री होगा, क्योंकि 15 अप्रैल के बाद एसएससी सीजीएल का एग्जाम, एसएससी एलडीसी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा लोअर डिवीजन क्लर्क का, तो रेलवे को टाइम नहीं मिलेगा। तो मान के चलिए कि जो आपका, जिनका अभी इस पेज में एग्जाम नहीं हो रहा है, उनका एग्जाम हो सकता है फिर 6 में, और वो एग्जाम 10 अप्रैल से पहले ख़त्म हो सकता है, क्योंकि उसके बाद जो TCS होगा वो बिजी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें हेल्प डेस्क के बारे में, तो हेल्प डेस्क अगर कुछ गलत होता है एडमिट कार्ड या कुछ भी को लेके कुछ गलत होता है, तो आप हेल्प डेस्क से सहायता ले सकते हैं। वहाँ पे जब लॉगिन कीजिएगा तो हेल्प डेस्क का भी एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद कैंडिडेट को कुछ भी सूचना चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाके देखे, नहीं तो आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल सकता है। और COVID-19 का जो भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो आपको करना होगा, फेस पे मास्क लगाना होगा हमेशा के लिए, एग्जाम जब देंगे तब तक आपको फेस पे मास्क लगाना होगा। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कुछ भी अनवांटेड जो भी सामान होगा उसको ले नहीं जा सकते आप एग्जामिनेशन हॉल में। और ये नोटिस आया हुआ है 23/2/2021 को। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल लिंक के बारे में, तो ऑफिशियल लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भोपाल के वेबसाइट पर। जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखिएगा कि अभी यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 19 आवर मतलब शाम के 7 बजे से आज लिंक एक्टिवेट कराया जाएगा। और ये लिंक जो एक्टिवेट होगा आप ये कब तक देख सकते हैं, 23 आवर 55 मिनट पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही कुछ अपडेट था कि फेज 5 के बारे में मुझे बताना था, जो कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोगों का किसी का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।